राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रविवार को जिले के टोडा भीम कस्बे के दौरे पर रहे, जहां सांसद ने ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ित किसानों से फसल खराबे की जानकारी ली। वे किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कृषि विभाग के उप निदेशक बीडी शर्मा सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। एक जनहित सुनवाई टाइप का कार्यक्रम हुआ है, हमने सांकेतिक धरना भी दे दिया और सुनवाई भी कर दी और कई ऐसी चीज पता लग गई जो किसानों को पता नहीं थी। जैसे माना किसान का झोंपड़ी उड़ जाए, वो रखवाली करता है घर में का, तो उसको 4100 रुपये मिलता है। माना किसान का फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया, खेत में से हटाने के लिए उसको 3000 रुपये मिलेगा प्रति बीघा। ऐसी चीजों की एक तो जानकारी दी है, दूसरा पक्का हाउस टूट जाए, कच्चा हाउस टूट जाए, कितना मापदंड है वो हमने देने देने को कहा। इस सर्वे में ये भी ध्यान रखें कि मकान में खेत में कितनी फसल नष्ट होकर पड़ी, कच्चा मकान टूटा कितना होता है, पक्के में कितना नुकसान हुआ, पशु कितने मरे हैं, बाकी प्रॉपर्टी का नुकसान कितना हुआ है, और सर्वे 33% से ऊपर।